गाजियाबाद नगर निगम ने जन समस्याओं के समाधान के लिए 311 ऐप की शुरुआत की और ऐप पर लोग अपनी समस्याओं को निगम तक पहुंचा सकते हैं और उसका समाधान भी करवा सकते हैं। नगर निगम ने हिंदी भवन में इस ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, ऐप भी डाउनलोड कराया गया। ऐप के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए निगम ने कंट्रोल रूम भी बनाया है। नगर निगम ने ऐप की शुभारंभ किया है, 311 ऐप का शुभारंभ आज किया है। किस तरह के आम लोगों को उसके लाभ होंगे, किस तरह से वो काम करेगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त गाजियाबाद हमारे साथ है। सर, क्या ऐप है, किस तरह वर्किंग होगा? देखिए, ये एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप 311 ऐप लाया गया है, जिसमें हर तरह की कंप्लेंट्स, 66 तरह की कंप्लेंट्स ऑनलाइन कर दी हैं। हमारे जो नागरिक हैं गाजियाबाद महानगर के, अपने घर बैठे जियो टैग तरीके से कंप्लेंट संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं और हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने तरह की सर्विसेज नगर निगम देता है, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस हो, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना हो, यूज़र चार्ज पे करना हो, आपके बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हो, डॉग रजिस्ट्रेशन हो, सारे तरह की सर्विसेज को ऑनलाइन लाया गया है। इसका मॉनिटरिंग हम कंट्रोल रूम के माध्यम से करेंगे और आशा यही है कि नगर निगम की वर्किंग को और फास्ट, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने में कारगर होगा। सर, ऐप पर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई है, उनका निस्तारण करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है? कंट्रोल रूम ऑलरेडी हमारा निगम में हम बना रहे हैं, बन भी गया है और उस कंट्रोल रूम में डेडिकेटेड लोग बैठेंगे 24/7 जो इस काम को करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, नजिंग करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे कि कौन से विभाग की कितनी कंप्लेंट्स प्रतिदिन पेंडिंग है, तो हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अच्छा, अगर समय पर काम नहीं होता है, कंप्लेंट का निस्तारण नहीं होता है, तो किस तरह फिर देखिए जैसे हाँ बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जिनका कुछ घंटों में, 2 घंटों में, 3 घंटों में निस्तारण किया जा सकता है। जैसे कहीं से कूड़ा उठना है, कहीं पे हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो उठना है, लेकिन कुछ डिमांड बेस्ड कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कहीं सड़क बना दीजिए, जो बजट के पे डिपेंडेंट होती हैं, उस टाइम पे डिपेंडेंट होती है। अब जैसे आचार संहिता लगेगी तो कोई भी टेंडर से काम होने वाला काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम आचार संहिता में टेंडर नहीं निकाल सकते, तो कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी होंगी। लेकिन ऑफ कोर्स जो त्वरित निस्तारण वाली कंप्लेंट्स होंगी उसका हम मॉनिटरिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जल्द से जल्द उसका निस्तारण। ऑनलाइन लाइब्रेरी जो बुक पढ़ाई बच्चे वो क्या कुछ? देखिए, कई बार हमारे जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो CBSE है, UP बोर्ड है, वो अपनी किताबें जो है वो ऑनलाइन करते हैं, तो हमने उन किताबों को अपनी ऐप से लिंक कर दिया है कि कहीं भी बच्चे जाएं, अपनी किताब घर पे भूल गए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, मेट्रो में हैं या बस में हैं या गाड़ी में हैं, वो देखना चाहें, कहीं ऐसी जगह बैठे हैं किसी और रिलेटिव के घर पे जहां पढ़ना चाहें आधा घंटा एक घंटा, तो उसको पढ़ सकेंगे। आज से वर्किंग है ऐप, आज से लाइव है, इसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम कल सुबह से चालू हो जाएगा, लेकिन ऐप जब मैम ने उसको लॉन्च किया आज और सारे माननीय विधायक जी और हम सब ने किया, तो उसका क्लीन स्वीप होके आज से नया होगा। पिछले 1 महीने से टेस्टिंग में ऑलरेडी थी ऐप, तो ये चल रही है। देश में यूपी में कौन सा हमारा निगम है जिसमें? देखिए, लागू लखनऊ में भी है और बनारस में भी है। मेरी जानकारी के हिसाब से लखनऊ में काफ़ी अत्यधिक डाउनलोड्स भी हैं, बनारस में भी हैं, बट लखनऊ में मैंने सुना है ज़्यादा वो है। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि 1 महीने के अंदर हम भी कुछ आप लोग के माध्यम से 70-80 हज़ार, 1 लाख के आसपास अगर डाउनलोड करवा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है पार्टिसिपेशन। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम पे साथ जुड़िए ताकि समाधान हो सके। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।